स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सोनी WI-1000X नेकबैंड वायरलेस ईयरफोन्स, जो कि है बहुत ही प्रीमियम। और कुछ मेन हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो सेंस इंजन दिया गया है, हाई रेस ऑडियो है, वायरलेस नॉइज कैंसलिंग, और पीछे भी कुछ इसमें हाइलाइट्स दी गई हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बैलेंस्ड आर्मेचर, डिजिटल नॉइज कैंसलिंग, LDAC, DSSC, एस मास्टर HX और क्वालकॉम एपटेक्स HD। तो ये हैं इसके कुछ मेन फंक्शंस। तो करते हैं इसकी सील ब्रेक और देखते हैं इसमें क्या कुछ नया किया है सोनी ने और कितना ये अपनी प्राइस पे है वो खरा उतरता है। प्राइस है इसकी लगभग 20,000 रुपये और MRP की अगर हम बात करें तो वो है 21,990 रुपये। सील कर दिया है हमने ब्रेक और अब निकालते हैं हम अपने मेन पैकेज को बाहर। और ये हमें मिलता है बॉक्स के अंदर एक बॉक्स, और ये एक प्रीमियम सा बॉक्स है जिस पे लिखा हुआ है यहाँ सोनी की ब्रांडिंग, और ये एक बुक की तरह आराम से खुलता है। सबसे पहले हमें ऊपर मिल जाती है हमारी ये मेन यूनिट, इसको हम निकालते हैं बाहर। और ये है हमारी मेन यूनिट जो कि लगती है थोड़ी सी हैवी वेट। चलो इसको रखते हैं हम एक बार यहाँ साइड में और इसके नीचे देखते हैं हमें और क्या कुछ मिलता है। तो नीचे वाले सेक्शन में हमें मिलता है, क्योंकि ये इसके चिपका हुआ है, ये हमें मिल जाते हैं काफ़ी सारे ईयरबड्स जो कि अपने हम अपने कान के हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं। ओके, और ये हमें मिल जाता है एक बेसिक सा पेपर वर्क, और इसके साथ ही हमें कुछ मिलने वाले हैं एक्सेसरीज जो कि हम देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। ये है एक इन फ्लाइट केबल फ्लाइट मोड के लिए, और ये है एक 3.5 mm माइक्रो USB केबल, और ये है एक चार्जिंग USB 2 माइक्रो USB केबल। और नीचे हमें मिल जाता है इनको रखने के लिए ये एक केस, और इस केस में हम इनको रख सकते हैं। तो अब करते हैं हम हमारी मेन यूनिट का थोड़ा सा ओवरव्यू, इसको रखते हैं हम एक बार साइड में। ये है हमारी मेन यूनिट, और इस साइड में हमें मिल जाती है सोनी की ब्रांडिंग, एकदम लेदर फिनिश है। ऊपर यहाँ लिखा हुआ है वायरलेस, और यहाँ फिर से सोनी की ब्रांडिंग है, और इस साइड में लिखा हुआ है मॉडल नंबर WI-1000X यहाँ पे, और ये है NFC, और इधर फिर से सोनी की ब्रांडिंग। बटन्स की अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ हमें मिल जाते हैं इसके बटन्स, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमें मिल जाता है कॉल अटेंड करने के लिए प्ले और पॉज का बटन, इधर वॉल्यूम प्लस का बटन, ये माइनस का बटन, और ये पावर ऑन का बटन। तो हम और ये हमें यहाँ साइड में मिल जाता है माइक्रो USB पोर्ट इसको चार्ज करने के लिए। बैटरी लाइफ की जो बात है इसकी, वो बैटरी लाइफ है वो है नॉइज़ कैंसलिंग ऑन करने के बाद में 8 घंटे, नॉइज़ कैंसलिंग ऑफ करने के बाद में 12 से 13 घंटे। तो हम करते हैं इसको एक बार ऑन यहाँ से, और ये हो गया है ऑन, लाइट जल गई है। अब मैं इसको पेयर करने की भी कोशिश करता हूँ और देखते हैं मुझे शो करता है या नहीं करता है। बिल्कुल ये शो हो गया है WI-1000X, और ये हो चुका है कनेक्टेड। मैं इसकी साउंड क्वालिटी ज़रूर चेक करके आपको अभी बताता हूँ कि कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह। तो देखिए वीडियो को आगे आप। तो लगाता हूँ मैं इसको, और ये जो है यहाँ दिया गया है एकदम सॉफ्ट लेदर, ताकि आपकी नेक में है वो बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो ये है मेरी सही साइड, और लगाता हूँ मैं इनको अंदर। नॉइज़ कैंसिलिंग हो चुकी है ऑन, और बाहर का मुझे क्या सुनाई दे रहा है क्या नहीं सुनाई दे रहा वो मैं अभी कुछ प्ले करता हूँ, और प्ले करने के बाद में देखता हूँ कि कितना है वो काम करता है ये। साउंड क्वालिटी है गजब, मतलब इससे अच्छा नहीं हो सकता साउंड, रियली वेरी वेरी गुड। सोनी की जो ऐप होती है वो हम हेडफोन ऐप है वो उसमें देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या और ऑप्शन मिलते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। तो ये WI-1000X आ गया है, और ये डिटेक्ट कर रहा है कि क्या क्या इसमें जो है वो हो सकते हैं। सेटअप योर गूगल स्टैंड, इसको क्लोज करते हैं हम, और
ये पूरी अपनी कंडीशन बताता है कि स्टेइंग है क्या है, पूरा ऑप्टिमाइज करता है। और इसमें काफ़ी सारे हमें इक्वलाइजर के मोड दिए गए हैं, क्लियर बास वगैरह। ये म्यूजिक चल रहा है, हम इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके आगे साउंड क्वालिटी मोड है, प्रायोरिटी ऑन साउंड क्वालिटी, DSSC मोड दिया गया है हमें इसके अंदर कि आपको ऑन रखना है नहीं रखना है। उसके अलावा स्टैंड बाई विथ पावर सेविंग है और वाइब्रेशन है फॉर इनकमिंग कॉल्स है। ये इसके हमारे पास कुछ मेन फंक्शंस आ जाते हैं इसी हेडफोन ऐप के अंदर। तो अभी हमें ये है नॉइज़ कैंसिलिंग है वो इसमें देखते हैं कि हम इसमें क्या करें और क्या नहीं करते हैं, क्या क्या हमें और ऑप्शन मिल जाते हैं इसके अंदर। ये जो नॉइज़ कैंसिलिंग का बटन है, इससे मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है वो इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो जैसे अब नॉइज़ कैंसिलिंग ऑन है, एक बार मैंने प्रेस किया एम्बियंट साउंड आ गई है, उसके बाद में दोबारा किया तो सब कुछ ऑफ हो गया है, एकदम नॉर्मल बेसिक ईयरफोन की तरह काम करेंगे। और दोबारा हमने किया है तो ये नॉइज़ कैंसिलिंग ऑन हो गई है। अब नॉइज़ कैंसिलिंग ऑन है और मैं देखता हूँ कि बाहर की साउंड है वो मुझे कितना इफेक्ट करती है। मैं बाहर कुछ म्यूजिक है वो प्ले करके देखता हूँ। ये साउंड अभी ज़ीरो है, मैं थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहा हूँ और जब तक मुझे सुनाई देगी मैं आपको बताऊँगा कि मुझे कब सुनाई दे रही है ये साउंड। अब मुझे हल्की हल्की अब वो साउंड थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है। और अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो हाँ काफ़ी साउंड है, लेकिन अंदर लगाने के बाद में हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो नॉइज़ कैंसिलिंग है वो शानदार है, गजब है। तो यही था इसका पूरा हिसाब किताब। मेरे हिसाब से ये प्रीमियम क्वालिटी के लिए अगर आपको नेक बैंड और ईयरफोन्स चाहिए हेडफोन की बजाय, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके पास। थोड़ा सा हैवी वेट ज़रूर है, बैटरी लाइफ भी कमज़ोर है, लेकिन नॉइज़ कैंसिलिंग है और साउंड क्वालिटी है उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो एकदम प्रीमियम आपको फील कराता है। प्रोडक्ट को हाथ में लेते हैं तो ये भी एकदम प्रीमियम फील होता है। तो मेरे हिसाब से ये एक कॉस्टली ज़रूर है लेकिन गजब की चीज़ है। तो यही था इसका अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो के अंत में आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा लगा ये प्रोडक्ट। इसका बाय लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। थैंक यू।